खबर आपको बता दें जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी खनिज और कर विभाग की संयुक्त कार्रवाई बयाना भी देखने को मिली। इस वक्त की अहम खबर जहां जीको के पत्थर इकाइयों पर कार्रवाई चल रही है। एसीबी के आईजी बीके सिंह समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बयाना से ये खबर जहां कार्रवाई से पत्थर व्यवसायियों में इस वक्त हड़कंप मचा है। एसीबी खनिज और कर विभाग की संयुक्त कार्रवाई जहां इस वक्त रीको में पत्थर इकाइयों पर ये कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से जहां व्यापारियों में हड़कंप मचा है, एसीबी के आईजी बीके सिंह समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बयाना का ये मामला जहां रीको के पत्थर व्यवसायियों पर ये कार्रवाई की जा रही है। एसीबी खनिज और कर विभाग के अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल हैं। पत्थर इकाइयों पर चल रही कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप है। मौके पर फिलहाल एसीबी के आईजी बीके सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। अहम खबर बयाना से एसीबी खनिज और कर विभाग की संयुक्त कार्रवाई बयाना में चल रही है। पत्थर इकाइयों पर कार्रवाई करने टीम पहुंची है जिसमें एसीबी के आईजी बीके सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। कर विभाग के भी अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल हैं। जानते हैं कार्रवाई से पत्थर व्यवसायियों में हड़कंप मचा है। जहां सूचना मिली थी एसीबी के बाद खनिज और कर विभाग की संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और बीनू हमारे संवाददाता जुड़े हैं। बीनू, और क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी कार्रवाई से संबंधित? अनु, मैं बताना चाहूंगा, ये बयाना रेको एरिया में एसीबी टीम की कार्रवाई चल रही है, जिसमें एसीबी के आईजी बीके सिंह के नेतृत्व में टीम पहुंची है। पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं और कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और व्यापारियों में इस मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पत्थर व्यापारी के अलावा जो पत्थर की जो कार्रवाई करते हैं, वहां पे जो कारीगर रहते हैं और लेबर रहते हैं, वो पुलिस को देख करके मौके से फरार हो चुके हैं। और जो पत्थर व्यवसायी है, उनमें हड़कंप मचा हुआ है, एक दूसरे से साठगांठ करने में लगे हुए हैं। जी, क्या शिकायत यहाँ टीम को मिली थी, कब ये कार्रवाई शुरू हुई? जी, अनु, मैं बताना चाहूंगा, ये जो खबर हम दिखा रहे हैं, इंडियन न्यूज पहली बार सबसे पहले खबर दिखा रहे हैं। अभी ये कार्रवाई जारी है, अभी ये निकल के नहीं आया है कि कार्रवाई किसके यहाँ और कैसे चल रही है। बाकी ये मौके से तस्वीर हमने आपको भेजी है और कार्रवाई जारी है। अभी ये थोड़ी देर बाद में हम बता पाएंगे आपको कि किस जगह पर और क्या कार्रवाई की गई है। जी अनु, शुक्रिया जानकारी के लिए।